बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल भूत फैमिली। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मिक्स दाल, जिसे खा के आप हलीम खाना भी भूल जाएंगे। इतनी मज़े की बनती है, जिसके लिए जो है ना, मैंने आपको रेशो बता रही हूँ, मैंने चढ़ा दी है ज़रा, मैं आपको अलहदा से बता देती हूँ क्या क्या डाला मैंने। एक कप लिए मैंने मिक्स दाल और चौथाई कप लिए ये मसूर की ब्राउन कलर की जो काली वाली दाल आती है, ठीक है, ये दाल, ये सब मिक्स करके मैंने जो ये लिए एक कप और ये लिए चौथाई कप। सिर्फ आपको दिखाने के लिए अलहदा से रखी थी। आधा घंटा 10 मिनट इससे पहले भिगो लीजिए और फिर पानी डालकर जिसके अंदर ये चीज़ें जाएंगी, ये तकरीबन 2 अदद टमाटर, 1 प्याज, 4-5 जो है लहसुन के डलेंगे इसके अंदर, पौना टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के किसी भी लाल मिर्च का, हसबे जायका नमक, अब ये डाली हम लोगों ने इसके अंदर, हमने हसबे जायका नमक डाल देते हैं। नमक और मिर्च हमेशा अपने हिसाब से रखिए, कम ज़्यादा कर सकते हैं और कम ही रखा करें, आखिर में चेक करके दोबारा डल सकता है। ये दो चीज़ें डल गई, ये 2 टमाटर डल गए, लहसुन के चले गए इसमें, और ये तड़के की चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आखिर में बताऊंगी, क्योंकि ये बीच में भी कुछ चीज़ें डलेंगी, कुछ चीज़ें आखिर में डलेंगी, इसलिए आखिर तक आप इस वीडियो को देखिए, तो मैं आपको वक्तन फवक्तन बताती रहूँगी। और 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल लीजिए, इससे गलावट अच्छी आती है। अब इसको आधे से ज़्यादा गला लीजिए, फिर क्या डलेगा फिर मैं आपको बताती हूँ। अब इसको रखते हैं गलाने के लिए, और ऊपर अगर वाइट झाग आता रहेगा, आप देखिएगा थोड़ी थोड़ी देर में वाइट झाग आएगा, आप इसको निकाल कर अलहदा कर दें। अच्छा, देखिए दाल गल चुकी है, और दाल इतनी गलनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी खड़ी खड़ी भी नज़र आती है तो वो अच्छी लगती है। अब हम जो है इसमें, आप दाल को चख लीजिएगा, नमक ज़्यादा ना आपको लगे, क्योंकि चिकन क्यूब में भी जो है वो नमक होता है। तोड़ के डाल दीजिए इस स्टेज पर, 5 मिनट इसको पकने दें, साथ में थोड़ा सा चुटकी गरम मसाला डाल दीजिए। जितनी गाढ़ी रखनी हो, पतली रखनी हो, तो उस स्टेज पे आप इसको रोक दीजिएगा। चावलों के साथ थोड़ी पतली खाई जाती है। इसे पकने के रखते हैं, और तड़के के लिए मैं आपको बता दूं, आधा कप तेल, आधी छोटी प्याज बारीक कटी हुई, 4-5 साबित लाल मिर्चें, कड़ी पत्ते की 1 डंडी ले लें, या 5-6-7-8 ले लें ये कड़ी पत्ता,
और थोड़ा सा अदरक का इतना सा टुकड़ा और 3-4 जले लहसुन के बिल्कुल चॉप करके वो डलेगा, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा डलेगा, और ये 3-4 हरी मिर्चें जिसके अंदर बराबर मिकदार में कुटा हुआ धनिया और आमचूर, ये दो मिक्स करके इस मिर्चों के अंदर भर लें। ये सब तड़के के लिए चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले प्याज ब्राउन करते हैं। अच्छा, प्याज को लाल करने के लिए रख दिया है और हल्की आंच पे करें ताकि जल ना जाए। अब ये थोड़ी सी लाल मिर्च साबुत डाल दें, ज़ीरा डालें। ज़ीरा बहुत जल्दी जल जाता है इसलिए दरमियान में ही इसे डालना है। कड़ी पत्ता डाल दें, लहसुन और अदरक कुटा हुआ डाल दें मोटा मोटा पीस के, और ये हरी मिर्च डाल दें। लहसुन की और जीरे की भी हल्की हल्की मिर्चों की खुशबू आनी शुरू हो गई, और प्याज भी रेड हो चुकी है। अब इसे 2-4 मिनट जो है हल्की आंच पे ढक के पका लें, फिर डिश आउट करके मैं आपको बताती हूँ। यह है फाइनल लुक इसकी, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।